सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गया है, लाइसेंस भी ये परचेज कर लिया एंड इसको एक्टिवेट भी कर लिया। वेलकम बैक गाइज, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं अपना व्हाट्सएप डेटा, मोर एग्जैक्टली व्हाट्सएप बिजनेस डेटा, एंड्रॉयड फ़ोन से परमानेंटली आईफोन में मूव करने जा रहा हूँ। जिस सॉफ्टवेयर का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो है टेनोरशेयर आई केयर फोन ट्रांसफ़र। यहाँ पे एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन है जस्ट टू ट्रांसफ़र व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बिजनेस, वाइबर, वी चैट। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल, यानी कि आप एंड्रॉयड से आईफोन, आईफोन से एंड्रॉयड, वॉइस ओवर सा ईजली मूव कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे, लाइक अगर आप एंड्रॉयड से मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यूएसबी डीबगिंग टर्न ऑन करनी पड़ेगी। आईफोन में आपको फाइंड माई आईफोन टर्न ऑफ करना पड़ेगा। व्हाट एल्स यू नीड, ऑफ कोर्स आपको कुछ कंपैटिबल केबल्स चाहिए होंगी। एंड एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल्ड है, मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे चैट्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट्सएप बिजनेस। ऑल्सो यहाँ पे आप फिजिकल बैकअप भी ले सकते हैं जस्ट टू मेक श्योर फॉर द फ्यूचर, इन केस आप फिर भी कुछ ब्लेंडर करते हैं तो आई थिंक फर्स्ट मुझे बैकअप लेना चाहिए। तो आपको फर्स्ट केबल कनेक्ट करनी है फ्रॉम हियर टू द कंप्यूटर और इंस्टेंटली यहाँ पे डिटेक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट मैं एक बैकअप ले रहा हूँ, इन केस इन द फ्यूचर यू नो मुझे दोबारा रिस्टोर करने की जरूरत पड़ी तो इजली मैं रिस्टोर भी कर लूँगा। वेरीफाई व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा और लास्ट डिजिट यहाँ पे फ़ोन का दिखा भी दिया है। इन केस आपने टू स्टेप वेरीफिकेशन इनेबल कर रखा है तो आपको उसको फर्स्ट डिसेबल करना पड़ेगा। व्हाट्सएप बिजनेस डेटा इन सैमसंग हैज़ बीन बैक्ड अप सक्सेसफुली, यानी कि इन द फ्यूचर दोबारा कभी मुझे रिस्टोर करना पड़ेगा तो आज की डेट तक का तो बैकअप आराम से मिल जाएगा। अब चलिए डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। अब मैं आईफोन को कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ट्रस्ट दिस कंप्यूटर। आईफोन भी यहाँ पे प्रॉपरली डिटेक्ट हो गया है, गुप्ता इन्फॉर्मेशन आईफोन, और ये रहा सैमसंग का फ़ोन। ट्रांसफ़र करने से पहले आपको यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस ऑलरेडी इंस्टॉल करना होगा। नाउ क्लिक ऑन द ट्रांसफ़र। अब ये डेस्टिनेशन डिवाइस में यहाँ पे आपको वार्निंग आएगी कि ऑलरेडी वो ओवरराइट हो जाएगा। अब चूंकि हम फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं तो ओवरराइट हो भी जाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऑन द फर्स्ट स्टेप आपको ऑप्शन मिलेगा, लाइक आप फर्स्ट टाइम बैकअप बनाना चाहते हैं या आपने पहले बैकअप बना रखा है देन आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक बैकअप बना चुका हूँ तो मैं इंस्टेंटली सिर्फ उसी को ही सेलेक्ट कर लूँगा एंड आसानी से उसको मूव कर लूँगा। क्लिक कंटिन्यू। अब नेक्स्ट स्टेप है लॉग इन टू व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ऑन द टारगेट डिवाइस। एग्री एंड कंटिन्यू। आपको सेम फोन नंबर यूज़ करना पड़ेगा जो आपने पहले यूज़ किया था उस पर। एंड एज यू कैन सी गाइज, अभी यहाँ पे कोई भी चैट नहीं है, कम्प्लीटली ये ब्लैंक है बिकॉज फर्स्ट टाइम हमने इंस्टॉल किया है। अब यहाँ पे मैं लॉग इन पे क्लिक कर दूंगा। रीस्टोरिंग डेटा टू टारगेट डिवाइस, रीस्टोर इन प्रोग्रेस, यहाँ पे ऑलरेडी लिख के आ चुका है 95, 96, 98, 100% रीस्टोरिंग डेटा हो चुका है एंड होपफुली यहाँ पे भी डेटा आ जाना चाहिए। ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, व्हाट्सएप बिजनेस डेटा हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सैमसंग टू आईफोन 13। फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है, लेट्स सी आफ्टर द रीस्टार्ट क्या सारा डेटा वहाँ पे आ चुका है कि नहीं आ चुका है। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, क्या सारा डेटा आ चुका है? ऑर्गेनाइजिंग व्हाट्सएप बिजनेस डेटा। एंड एज यू कैन सी गाइस, कंप्लीट व्हाट्सएप डेटा मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो जैसा आपने देखा गाइस, कंप्लीट डेटा इस एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन में आ चुका है और ऑल्सो मैंने फिजिकल बैकअप भी ले रखा है कंप्यूटर पे, इन केस फ्यूचर में कुछ भी होता, लाइक पासवर्ड भूल गया या कुछ भी हो गया, तो आज की डेट तक का डेटा तो मेरे पास होगा, इस बात की तो कंप्लीट गारंटी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप ऐसा सॉफ्टवेयर जरूर यूज़ करें ताकि आपका डेटा भी सेफ एंड सिक्योर रहे। ओके, सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज टिप। डिस्कशन में आपको इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।